खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया ट्विस्ट भी आया आज। शरद पवार के भांजे और एनसीपी नेता अजीत पवार का दावा है कि उन्हें संजय राउत का मैसेज आया है। माना जा रहा है कि संजय राउत का यह मैसेज महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर सकता है। मुझे संजय राउत साहब का मैसेज आया है, अभी मैंने देखा, तो उसके बारे में मैं अभी फोन उनको करूंगा। उसके बारे में किस लिए उन्होंने मैसेज किया पता नहीं। उन्होंने चुनाव होने के बाद पहली दफा मुझे मैसेज आया है, अभी मैं उनका मैसेज आया है तो मैं रिस्पेक्ट करके उनको फोन करूंगा और पूछूंगा क्या खासदार साहब क्या काम है। अब समझिए, महाराष्ट्र में बिना बीजेपी के अगर शिवसेना सरकार बनाने जाती है तो उसको किसका समर्थन मिल सकता है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए। शिवसेना के 56 विधायक हैं और एनसीपी के 54 और कांग्रेस के 44, मतलब तीनों मिले तो आंकड़ा 154 हो जाएगा। वहीं 7 निर्दलीय विधायक भी शिवसेना को समर्थन दे चुके हैं, मतलब आंकड़ा 161 पहुंच जाएगा।